नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के किताबी मिली कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है जो बुक कैफे के एक दिन एक किताब में चर्चा के लिए हमको प्राप्त होती हैं, प्रकाशकों द्वारा भेजी जाती हैं। आज लोक रंजन प्रकाशन जो प्रयाग स्टेशन रोड प्रयागराज में स्थित है, उसके द्वारा भेजी गई पुस्तकों की मैं जानकारी दूंगा। इस प्रकाशन ने साहित्य तक को पहली बार पुस्तकें भेजी हैं। जो पुस्तकें उन्होंने भेजी हैं उनमें शिवानी चंद्रा की मिडिल रोड, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उमेश श्रीवास्तव की पुस्तक गुनई, यह हमें प्राप्त हुई है। विश्वनाथ की पुस्तक कुछ इधर की कुछ उधर की, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। रूपा सिंह का एक ब्लॉग संकलन रूपा ओस की एक बूंद, यह भी हमें लोक रंजन प्रकाशन से ही प्राप्त हुई है। एक पुस्तक है जिसका नाम है मतवालों की मधुशाला, ये आध्यात्मिक रुबाइयां हैं जिसके संकलनकर्ता हैं, काव्यकार हैं शिवराम उपाध्याय मुकुल मतवाला। रंजन पांडे की एक पुस्तक पार्क की वह शाम, यह भी लोक रंजन प्रकाशन से ही हमें प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त रामधनी द्विवेदी की पुस्तक दक्षिणा पथ अगस्त के देश में, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशनों से प्रकाशित जो पुस्तकें हैं वह हमको भेज सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना अवश्य देंगे। इसके अतिरिक्त अगर उनमें से कुछ पुस्तकें अच्छी हुई या जो पढ़ने में रोचक लगी, उनकी जानकारी एक दिन एक किताब में मैं ठीक शाम को 4 बजे सोमवार से शनिवार तक जब इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता हूं तो रखता हूं। हर शनिवार और रविवार ठीक इसी समय मैं किताबें मिली कार्यक्रम में आपको जानकारी देता हूं जो पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं। हर रविवार को किसी प्रिय रचनाकार से उसके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें में या उसकी किसी चर्चित कृति पर मैं चर्चा करता हूँ शब्द रथी कार्यक्रम में। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।